जातीय जनगणना को लेकर के सियासत पूरी तरीके से गर्म है। लगातार तमाम पार्टियां जातीय जनगणना को लेकर आवाज़ उठा रही है। वहीं कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा द्वारा जातीय जनगणना में दलित मुसलमानों को भी शामिल करने को लेकर एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता अशरफ राइन ने कहा कि सन 1944 के जनगणना अधिनियम के बदलाव के बिना जातीय जनगणना नहीं हो सकती, क्योंकि 1948 के जनगणना संशोधन विधेयक में जातीय कॉलम को ही खारिज करवा दिया गया था। तब से आज तक जातिगत आधार पर जनगणना करा ही नहीं गई। लेकिन अगर अब जातीय जनगणना कराना है तो जातीय जनगणना के लिए कास्ट सेंसस अमेंडमेंट बिल लाया जाए और उसमें जाति का कॉलम छोड़ दिया जाए और जातीय जनगणना में दलित मुसलमानों की भी जनगणना होनी चाहिए। और अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार हमारी बात नहीं मानी तो यह आंदोलन प्रदेश से लेकर केंद्र तक होगा। तो ये एक चेतावनी देते हुए आपको बताते चले कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने प्रेस वार्ता किया और राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक यह चेतावनी दी कि अगर दलित मुस्लिम समाज को जातीय जनगणना में शामिल नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा और इसका जिम्मेवार सरकार होगा, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगा, इसके भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। ATN लाइव के लिए पटना से कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। जातीय जनगणना के मामले ने तूल पकड़ लिया और इस मुतालबे ने भी मजबूर कर दिया कि पक्ष विपक्ष भी एकजुट होकर के जाके प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों का ये कहना है कि जब तक होना चाहिए जातीय आधार पर होना चाहिए, तो मोर्चा भी ये चाहता है कि दलित मुसलमानों का भी जनगणना जातीय आधार पर कराया जाए। इसी बात को कहने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि किस समुदाय और किस धर्म में कितनी जातियां हैं और उनकी आबादी कितनी है। तो आप जो भी सरकारी आप लाते हैं फंड या जो भी सरकारी स्कीम आती है आप उससे लाभान्वित तो उसको कैसे कीजिएगा। रोड तो सबके लिए बनता है, जो गरीब के लिए, जो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो स्कीम है उस स्कीम में जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा सही लाभान्वित सही तरीके से वो लोग नहीं होंगे। अब इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना किसके लिए है? दलितों के लिए है। जो बहुत सारे लोगों को गैर सूदी कर्जा दिया जाता है कारोबार करने के लिए किसके लिए है? पिछड़े दलितों के लिए है। तो जो सरकार इस तरह की चीज़ें लाती है, अब हमारा जैसा मूल मुद्दा है कि 341 में धार्मिक प्रतिबंध हटा के दलित मुसलमान जो है सभी धर्म समुदाय में है, जात है तो जनगणना जातीय आधार पर होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके किस जाति की कितनी आबादी है। पिछड़ों दलितों आदिवासियों को मिलता है, दलित मुसलमान वंचित है, तो जब आरक्षण आप दे रहे हैं जाति के बुनियाद पर तो अमीर या गरीब का मामला नहीं है, आप जाति ही मेन मामला है, जाति के ही आधार पर होना चाहिए। नहीं होगा जातीय जनगणना नहीं हो सकता है। 1931 में पहली दफा ब्रिटिश सरकार ने जातीय जनगणना कराया था, 1941 में जातीय जनगणना क्या जनगणना ही नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अपना देश ही नहीं पूरी दुनिया की हालत अच्छी नहीं थी। 1951 में जो जनगणना होना था उसके पहले 1948 में ही जो जातीय कॉलम था जनगणना से उसको जो है उस वक्त की सरकार ने खारिज कर दिया। तब से जो जनगणना होता है वो जातीय आधार को समाप्त कर दिया। इसलिए मोर्चा का पहला डिमांड ये है कि जो 1948 में जातीय कॉलम को जनगणना की श्रेणी से हटाया गया सबसे पहले अमेंडमेंट किया जाए, कास्ट सेंसस अमेंडमेंट बिल लाया जाए और 1948 वाले जो मामले को जो है उसको पहले ठीक किया जाए। जब तक 1948 वाले इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा कास्ट सेंसस में तब तक कास्ट सेंसस नहीं हो सकता है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये कहना है कि जब मुसलमान OBC रिजर्वेशन में है, शेड्यूल ट्राइब्स में है और अब जो इकोनॉमिकल बेस पर जो रिजर्वेशन मिला अपर कास्ट को उसमें भी है, तो फिर जब सेंसस हो रहा है तो उसमें कास्ट का बेस क्यों नहीं होना चाहिए? जो शेड्यूल कास्ट मुस्लिम्स हैं उनको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में नहीं रखते हुए OBC में रखा गया है। हम लोग 1994 से डॉक्टर एजाज अली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
जब भी हमारी लड़ाई मजबूत होती है तो ये पूछा जाता है कि दलित मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो जब तक जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगा हम किसी की आबादी कैसे बता सकते हैं। 2010 में भी जब ये मामला बहुत दूर पकड़ा था तो कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इसी सवाल को रखा और इसी सवाल की आड़ में इस गंभीर मुद्दे को टहरा दिया। इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मानना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, उसमें दलित मुसलमानों की जातियां हैं उनका भी जनगणना होना चाहिए और इसके लिए मोर्चा जो है प्रदेश से केंद्र तक लड़ने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। इसलिए हमारा डिमांड है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला हम उसे सराहनीय कदम बताते हुए उसका स्वागत भी करते हैं और ये हमारा डिमांड है कि हमारे इस डिमांड को केंद्र सरकार एक्सेप्ट करे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हमारा ये आंदोलन प्रदेश से केंद्र तक अब शुरू हो जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं।